हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरमान आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और हम आ गए थे यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का संरक्षण। वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट एंड सब्सटेंसेज मैन्युफैक्चर फ्रॉम देम। वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस। हमने अब तक देखा है कि कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस है, यानी सभी इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की होगी और उद्योगों की पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंस है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंस है किनके ऊपर, जो मिनरल डिपॉजिट है यानी कि जो पृथ्वी के अंदर नीचे खनिज पदार्थ है उनके ऊपर डिपेंडेंस है, उन्हीं को मैन्युफैक्चर किया जाता है इनके अंदर, कृषि में भी और इंडस्ट्री में भी। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन एंड फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो टोटल वैल्यू है जो वर्केबल मिनरल डिपॉजिट है जो, वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है यानी कि बहुत ही कम अनुपात में है। 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो कि क्या है, अर्थ के केवल 1% में, अर्थ क्रस्ट के केवल 1% में आते हैं। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल्स रिसोर्सेज दैट रिक्वायर मिनरल्स ऑफ ईयर। हम क्या कर रहे हैं, हम रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज, हम क्या कर रहे हैं, तेजी से मिनरल रिसोर्सेज को कंज्यूम यानी कि उपभोग कर रहे हैं। दैट रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, जिनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो दैट द रेट ऑफ द रिप्लेनिशमेंट आर इन्फिनेटली स्मॉल इन कंपेरिजन टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजप्शन। और जो जियोलॉजिकल, जो भौगोलिक परिस्थिति है या भौगोलिक प्रक्रिया है मिनरल बनाने की, आर सो स्लो, वो इतनी ज़्यादा कम है कि द रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इन्फिनेटली, यानी कि रिप्लेनिशमेंट का मतलब कहते हैं दोबारा से पुनर्भरण होना, स्मॉल इन कंपेरिजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि उनका दोबारा से बनना बहुत ही ज़्यादा कम है। रिप्लेनिशमेंट का मतलब दोबारा से बनना उनका, रेट्स ऑफ कंजप्शन, जितना कि उनका उपभोग हो रहा है उसकी बजाय उनका रिप्लेनिशमेंट बहुत ही कम है। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, और इस प्रकार जो मिनरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी कम है, वो कम है मात्रा में एंड बहुत ही और नॉन रिन्यूएबल है, उनको हम क्या कर सकते, वो कुछ ही निश्चित है और उनको नॉन रिन्यूएबल है यानी कि उनको दोबारा नहीं बना जा सकता। रिच मिनरल्स डिपॉजिट आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, जो अच्छे डिपॉजिट है हमारे कंट्री में वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशन, लेकिन वो बहुत ही कम समय तक रहेंगे। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ अलोंग विद द डिक्रीज। और जो कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन है ओर्स का, इनको निकालने का कारण का, टू इंक्रीज कॉस्ट, जो कि क्या कर रहा है, उसकी मात्रा को बढ़ाता जा रहा है यानी कि उसके ऊपर जो खर्च आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है। एज मिनरल्स एक्सट्रैक्शन कम फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ, जैसे कि मिनरल एक्सट्रैक्शन है वो फिर और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहे हैं यानी कि और भी ज़्यादा गहराई में जाना पड़ रहा है, और जिससे कि उनकी क्वालिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू हम इनको निकालते रहे हैं मिनरल्स को, तो उनके निकालने में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है उससे कॉस्ट भी बढ़ती है ना, और उससे क्या होगा, फिर आगे चल के मिनरल्स और भी गहराई में चले जाएंगे। अब जितनी गहराई में जाएंगे उससे क्या होगा कि उसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो कंसर्टेड एफर्ट हैज़ टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज आवर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लैनेट एंड सस्टेनेबल मैनर। तो यहाँ पे मिलजुल के कंसर्टेड एफर्ट क्या, जो मिल के एक प्रयत्न करना पड़ेगा हम सबको कि हमें मिनरल रिसोर्सेज को क्या करना है, नियोजित और
सतत तरीके से उसको बनाना, यानी कि उसको ऐसे तरीके से यूज़ करेंगे कि ताकि फ्यूचर में भी बचा रहे। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ अस टू लो ग्रेड और एट लो कॉस्ट। और जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो अच्छी टेक्नोलॉजी, सुधरी हुई टेक्नोलॉजी है, उसको हमें बार बार उपयोग में लाना होगा, जो कि यू अलाउ करेंगी हमें लो ग्रेड और टू लो कॉस्ट, जिससे कि हमारे लो ग्रेड के और से यानी कि कण है वो कम पैसे में निकल जाए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट आर स्टेप इन कंजर्विंग अवर मेटल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। और फिर मेटल्स को दोबारा से बनाना और यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट, ये क्या है, ये कुछ स्टेप है, इनको मिनरल रिसोर्सेज को भविष्य के लिए कंजर्व यानी कि संरक्षित करने के, ठीक है। तो डिग ए लिटल डीपर, लिटिल डीपर, मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम देयर सब्स्टिट्यूट वेयर सब्स्टिट्यूट्स आर बीइंग यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ मिनरल्स, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट यूज किए जा रहे हैं मिनरल्स के बजाय। वेयर आर दिस सब्स्टिट्यूट ऑब्टेन फ्रॉम, और ये सब्स्टिट्यूट है वो कहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा के संसाधन। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, ऊर्जा भी हर एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होती है। इट इज नीडिड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, इसका उपयोग किया जाता है, हमें इसकी आवश्यकता होती है कुक के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए, एंड टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, और यह है रोशनी और गर्मी देने के लिए। टू प्रोपेल व्हीकल्स, व्हीकल्स को चलाने के लिए, एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में क्या है, इनको चलाने के लिए, इंडस्ट्री मशीनों को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एनर्जी भी एक इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्टर है। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी है उसको हम जनरेट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं किन से, कुछ मिनरल्स, जैसे कि हमारा कोयल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी है, उनसे हम एनर्जी ले सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, और जो एनर्जी रिसोर्सेज है इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत और गैर परंपरागत में हम इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये है हमारे कन्वेंशनल, जैसे कि फायरवुड, लकड़ी जलाने वाली लकड़ी है, कैटल डंग है यानी कि पशुओं के जो उपले हैं, कोयल है, कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज इंक्लूड सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, यानी कि जो सोलर एनर्जी है, वाइंड टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल है, बायोगैस है, एटॉमिक एनर्जी है, ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है, गैर परंपरागत है। फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया, जो फायरवुड है और कैटल डंग है ये हमारे ग्रामीण भारतीय में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इज मेट बाय दिस टू, और एक एस्टिमेट लगाया गया है कि रूरल इंडिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ना जो हाउस होल्ड है यानी कि घरों में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसमें 70% इन्हीं का यूज किया जाता है, कैटल डंग का और किनका, फायरवुड का। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ दीज इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया, और क्या हो रहा है, इनके लगातार
इनका उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिससे कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया वो क्या हो गया, इनकी वजह से कम होता जा रहा है। मोर ओवर यूजिंग डंग केक्स टू इज बीइंग डिस्करेज बिकॉज इट कंज्यूम मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर। वहीं दूसरी ओर डंग केक को भी क्या किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है कि इसका भी उपयोग कम करो, क्योंकि इसको इसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मैन्योर यानी कि खाद होता है जिसको हम कृषि में यूज कर सकते हैं बजाय उसको फायरवुड में यूज करें। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि पारंपरिक सोर्स है जो एनर्जी के, कौन कौन से, कोयल। इन इंडिया कोयल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। भारत में कोयल है वो जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है किसी में फॉसिल फ्यूल में। इट प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड्स, और यह नेशन की एनर्जी नीड में है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होता है इसका। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इसको पावर जनरेशन में यूज किया जाता है। टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड, इसको बिजली के निर्माण में यूज किया जाता है। जिस एनर्जी को यानी कि जिस बिजली को हम हिस्ट्री उसमें इंडस्ट्री में और घरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोयल, और भारत क्या है वो बहुत ज़्यादा कोयल के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड कोयल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट, और अपने कमर्शियल एनर्जी को पूरा करने के लिए इंडिया पूरी तरह से कोयल के ऊपर डिपेंडेंट है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कोयल इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, आपको जैसे पहले पता है कि जो कोयल का जो फॉर्मेशन कैसे हुआ था, अर्थ के अंदर कंप्रेशन हुआ था जो लाखों करोड़ों साल पहले क्या था, प्लांट क्या हो गए थे उसके अंदर कंप्रेस हो गए थे। कोयल देयरफॉर इज फाउंड इन वैरायटी ऑफ फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, और इस प्रकार कोयल है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरायटी का मिलता है, क्योंकि ड्यू टू डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन यानी कि किस डिग्री पे कंप्रेशन हुआ है, एंड द डेप्थ एंड द टाइम ऑफ बरियल, और किस टाइम पे वो कितनी गहराई में है और कब वो उसके अंदर दबा था। डिकेइंग प्लांट इज स्वयं प्रोड्यूस पीट, और जो डिकेइंग प्लांट है वो क्या होता है, इन स्वयं प्रोड्यूस पीट, वो पीट का निर्माण करते हैं। विच हैज ए लो कार्बन, जिसके अंदर कार्बन कम होता है, एंड हाई मॉइस्चर उसके अंदर होता है, एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, और जिसके अंदर जलने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। लिग्नाइट इज द लो ग्रेड ब्राउन कोयल, लिग्नाइट है जो कि कम ग्रेड का क्या है, कोयल है जो कि ब्राउन कलर का, विच इज़ सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट है, एंड विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, जिसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नावेली इन तमिलनाडु, और जो तमिलनाडु का नावेली नाम का स्थान है जहाँ पे लिग्नाइट के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको पावर के निर्माण में यूज किया जाता है। कोयल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस, और वहीं दूसरी ओर जो उससे गहराई में जो कोयल है जो कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण जिसका निर्माण हुआ है वो है बिटुमिनस कोयल। इट इज मोस्ट पॉपुलर कोयल इन कमर्शियल यूज, यह कमर्शियल यूज में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता, फेमस है। मेटलॉजिकल कोयल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोयल विच हैज स्पेशल वैल्यू स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। मेटलॉजिकल कोयल है वो क्या है, हाई ग्रेड का बिटुमिनस कोयल है जिसको स्पेशल वैल्यू दी गई है जो कि स्मेल्टिंग आयरन में ब्लास्ट फर्नेस यानी कि भट्टियों को जलाने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोयल, वहीं दूसरी ओर एंथ्रासाइट है वो कि हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोयल है। इन इंडिया कोयल अकर इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, नेमली गोंडवाना अ लिटल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन द एज, और भारत में जो ये कोयल है जो कि चट्टानों के अंदर पाया जाता है, इसकी क्या है, टू मेन जियोलॉजिकल एजेस है, इसकी दो बड़ी भौगोलिक आयु के हिसाब से है, नेमली
Gondwana a little over 200 million years ago is and in the territory deposit where there are only about 55 million years old. और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि 55 million years पुराने ही हैं. The major resource of Gondwana coal which are metallurgical. और वहीं जो सबसे ज़्यादा गोंडवाना कोयल का यूज़ किया जाता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मेटलॉर्जिकल कोयल यानी कि भट्टियों में यूज किया जाता है जहाँ पे मेटल को बनाया जाता है. आर लोकेटेड इन दामोदर वैली जो कि दामोदर वैली में बंगाल और झारखंड में झरिया रानीगंज बोकारो आर इम्पोर्टेंट क्लासीफाइड. द गोदावरी महानदी सन एंड वर्धा वैली ऑल्सो कंटेन कोयल डिपोजिट. ये गोदावरी महानदी सन वर्धा वैली है यहाँ पर भी कोयल के डिपॉजिट्स हैं. ये मैप है, आपने ये मैप को फिल करना है. इसमें क्या है, एक ब्लैंड मैप ले लेना उसको आपने फिल करना है. कोयल फील्ड कोयल माइंस एंड ऑयल फील्ड्स मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स. ठीक है, तो ये सारे का सारा आपने इसमें दिखाना है. ठीक है, और एक ये है जो ब्लैक कलर ब्लैक लाइन है HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपने यही करना है, कोयल फील्ड के बारे में मैप फिल करना और वो करना है. कल हम पढ़ेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोयल. अच्छा आगे, टेरिटरी कोयल अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय. वहीं दूसरी ओर टर्सरी कोयल है जो वो कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि ईस्टर्न स्टेट में मिलता है, मेघालय असम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में. रिमेंबर कोयल इज अ बल्की मटेरियल विच लूजेज वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूसेस टू एस. आपको ये ध्यान रखना है जो कोयल है उसके अंदर क्या होता है, बल्की मटेरियल की हल्का मटेरियल होता है जो कि अपना वेट लूज कर लेता है जलने के बाद एस में बन जाता है. Hence, heavy industry and thermal power corporation are located on or near the coal fields. और इसीलिए क्या है, thermal को क्या क्या thermal के पास heavy industry वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर coal field है. ओके स्टूडेंट्स, petroleum कल हम पढ़ेंगे petroleum. ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे. ये मैप फिल कर लेना आप अच्छे से, ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मेरे से.